आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। आज मैं आपको मालपुआ बनाकर दिखाऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और होली के त्योहार पर अक्सर बनाया जाता है। हम ले लेते हैं आटा, पिसा हुआ चीनी, 2 चम्मच सूजी और 1/2 कटोरी मैदा, और यह हमारा 1 कप दूध, 2 केला, रिफाइंड ऑयल, किशमिश, सौंफ, इलायची पाउडर, देसी घी, ये हमने ले लिया 1 कटोरी क्रीम जो हमने घर पर दूध से निकाला है, और ये हमारा है बादाम। ये हमने डाल लिया आटा, डाल लेते हैं मैदा, ये हम डाल लेते हैं 2 चम्मच सूजी, अब हम डालते हैं पिसा हुआ चीनी, अब हम डालते हैं दूध, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें दाने दाने ना रहे आटे के और मैदे के। अब हम केला भी छील लेते हैं और इसे कद्दूकस कर लेंगे। ताकि हमारा घोल अच्छे से तैयार हो। देखिए केला हमने घिस लिया है। इधर हम बादाम भी काट लेते हैं बारीक बारीक। बादाम हमारा कट चुका है। इलायची पाउडर भी हमने तैयार कर लिया। अब हम डालते हैं इलायची पाउडर। कटे हुए बादाम। सौंफ भी डाल लेते हैं। देसी घी भी डाल लेंगे। इससे जो हमारा पुआ है कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। और क्रीम भी डाल लेते हैं, जिसे हम मलाई भी कहते हैं। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट पुआ तैयार होगा। हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि घोल जो है हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं घोल अच्छे से तैयार हो गया है। इसे हम 1/2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम चूल्हे में ईंधन को जला लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई रख लेंगे पुआ तलने के लिए। रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। देखिए ढक्कन को हम हटा लेते हैं। घोल को फिर से एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि सारा मिश्रण जो है अच्छे से मिल जाए इसमें। देखिए रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए ये तेल हमारा ठीक है। ज़्यादा गर्म रहता है तो ये फैल जाएगा। अब हम पुआ तलने के लिए घोल को डालते हैं।
अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। पुआ हमारा जो है धीमे आंच पे अच्छा पकेगा। पुआ हमारा तल के तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है पुए का। फिर से हम पुए का घोल डालेंगे। पुआ अक्सर त्योहारों पर बनाया जाता है और होली के त्योहार पर काफी पसंद किया जाता है, इसलिए पुआ जरूर बनाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है खाने में। इसी तरीके से हम इस पुए को भी सेक लेते हैं अच्छे से। पुआ तल के हमारा तैयार है, प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और भी पुए को बनाकर तैयार कर लेंगे। पुआ हमारा बन के तैयार है। अब हम इस पे किशमिश और बादाम डाल लेते हैं। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पुआ बन के तैयार है। ये बच्चे और बड़ों सबको पसंद आता है। आप पुआ बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और पुआ बनाकर ज़रूर खाइए। हैप्पी होली।